त्योहार के सीजन में मिलावटखोरों का कारोबार तेजी से बढ़ जाता है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम मिठाइयों के गोदाम पर छापेमारी कर रही है, ताकि मिलावटखोरों पर शिंजा कसा जा सके। आज सीएम फ्लाइंग की टीम ने बावल के रसियावास रोड स्थित बागड़ी मिष्ठान के गोदाम पर रेड की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अलावा बिजली निगम और श्रम विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर संयुक्त रूप से रेड की। गोदाम में बड़ी मात्रा में मिठाई रखी हुई थी, जिन मिठाइयों में से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लिए हैं। वहीं गोदाम में करीबन 60 श्रमिकों से काम कराया जा रहा था। बड़ी संख्या में श्रमिकों से काम कराने की अनुमति श्रम विभाग से नहीं ली हुई थी और न ही श्रमिकों को किसी तरफ की सुविधा दी गई थी। श्रम विभाग भी मिठाई के गोदाम मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक चौधरी ने बताया कि उनकी टीम ने इस गोदाम से दूध से बने केक, दूध, खोया, रसगुल्ला, छेना के साथ खाद्य नमूने लिए हैं, जिन्हें मौके पर सीलबंद करके जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाया जा रहा। टीम को मौके पर 25 क्विंटल बर्फी, 25 क्विंटल कलाकंद, 7 क्विंटल दूध, 8 क्विंटल रसगुल्ले और 5 क्विंटल छेना मिला। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बावल के ही बनीपुर चौक स्थित कृष्णा डेयरी पर भी रेड की, जहां से भी खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। इस जगह से विभाग ने पहले भी सैंपल लिए थे, जिनमें 2 सैंपल फेल पाए गए थे, जिनका केस चल रहा है। आज भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, आज सीएम फ्लाइंग की रेड बावल में थी, आप भी उनके साथ टीम में आए थे, सर अपना थोड़ा परिचय हो जाए। मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर दीपक चौधरी रिवाड़ा। सर, आज कहीं सैंपलिंग भरी गई है रेड के साथ में, क्या क्या सैंपलिंग में भरा गया है? आज सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम के नेतृत्व में खाद्य एंड औषधि प्रशासन की टीम की तरफ से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ वहां पर एक मिठाई के गोदाम में बागड़ी स्वीट्स पर जो है वो रेड की गई थी। वहां पर भारी मात्रा में मिल्क केक, खोया बर्फी, दूध इत्यादि समय इस तरह का जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे और उनकी साफ सफाई की जो है जांच की गई है। वे 7 नमूने सील करके लैब में भेजे गए हैं। वे रिपोर्ट आने पर अनियमितता कोई भी मिलती है तो उस पर एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, काफी लंबे समय रेड चली है, लगभग कितने घंटे रेड चली है? ये 4 से 5 घंटे तक रेड चली। तो सर, इस सैंपलिंग के पहले भी आपने 6 महीने पहले भी एक सैंपलिंग लिया था? जी, यहाँ पर पहले भी हमें शिकायतें प्राप्त हुई थी, पहले भी हमने कुछ सैंपलिंग लिए थे, उनके 2-3 जो है 3 केस भी हमारे उनके पहले ही चल रहे हैं, रेगुलर हम जो है चेक रख रहे हैं। सर, आज आप बनीपुर चौक पहुंचे हैं, इससे पहले भी 5 से 7 दिन पहले भी आपने सैंपलिंग दूध का लिया था, जहां की उसका भी थोड़ा बावल में जो है जो निरंतर जो है फूड अल्ट्रेशन को क्रश करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से ड्राइव चलाई जाती है। अभी हमने बनीपुर चौक से ही जो है एक पैकेड मिल्क का सैंपल लिया था अर्थ कंपनी का, जो जिसमें कि जो सब स्टैंडर्ड पाया गया है उसमें भी कार्रवाई जारी है। वह मंडी क्षेत्र से भी छोटूराम चौक के पास से हमने पनीर के, खोया के सैंपल लिए थे, जिनमें अनियमितता पाई गई है, उनमें भी केस दर्ज कर दिए। सर, आज फिर एक बार बनीपुर चौक पर खड़े हैं, तो आज यहां से भी कुछ सैंपल लिए गए? ये बनीपुर जिस चौक पर एक जो है वो दूध पदार्थों की डेयरी है, यहां से दही का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। सर, ये कार्रवाई कैसे चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी? ये कार्रवाई जो है आप निरंतर चलती रहेगी। वे जो भी मिलावट हो रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई विभाग की ओर से सरकार के निर्देशों पर की जाएगी लगातार। ये अपना परिचय? मैं दिनेश शहरी। क्या काम करते हैं? मेरे रसगुल्ले के गोदाम। आज कोई रेड पड़ी थी सीएम फ्लाइंग की, क्या था मामला? सीएम फ्लाइंग में सैंपल वगैरह लिए गए, देखते क्या होता है उसमें। कितने सैंपल ले गए? वैसे 6 सैंपल ले। आज से करीबन 6 महीने पहले, उससे पहले साल भर पहले भी सैंपलिंग ली थी, उसमें क्या रहा था अब तक? तो उसमें छीने का लिया था और दूध का लिया था, उसमें क्रीम कम पाई है। तो आप जो रेड पड़ी है उसमें कितने संतुष्ट हैं या नहीं है, या हर साल ही दिवाली पाते हैं? सरकारी कार्रवाई है, उसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ। है जो होगा सैंपल की रिपोर्ट आएगी जब भी पता लगेगा क्या है। आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम को एक सूचना मिली कि बावल में एक फैक्ट्री, एक जगह है जहां पर भारी मात्रा में मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इसके आधार पर अपने बिजली विभाग से जेई साहब, अपने संदीप जेई
और खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, और सीएम फ्लाइंग की टीम और बिजली विभाग की टीम और सभी ने, और लेबर डिपार्टमेंट टीम ने वहाँ पे जब रसियाबास रोड पे जो एक कंपनी थी वहाँ पे जब रेड की, तो मिष्ठान भंडार पता चला कि वहाँ दीपक सॉरी दिनेश सन ऑफ चुन्नीलाल हैं जो बावड़ के रहने वाले हैं रसियाबास रोड के, फिलहाल अभी वहीं रहते हैं। वो मिठाई पिछले बहुत 15 साल से करीब वहाँ पे मिठाइयाँ बनाते हैं, और 60-65 के करीब आज वहाँ वर्कर लगे हुए थे। 5-6 घंटे ये रेड चली है और वहाँ पे 25 क्विंटल के करीब कलाकंद, 25 क्विंटल बर्फी, 8 क्विंटल रसगुल्ले, 5 क्विंटल छेना और लगभग 7 क्विंटल दूध भी वहाँ पे मिला है। तो उसमें डॉक्टर साहब ने जो जो ज़रूरत थी वहाँ पे सैंपल्स लिए गए हैं और अब वो लैब में भेजे जाएंगे। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली का कनेक्शन वो चेक किया है, लेबर डिपार्टमेंट ने अपने लीगल एक्शन लिया है, तो और इसमें नियमानुसार कार्रवाई उसके बाद अभी की जा रही है।